करते हैं एक नए ब्लॉक की शुरुआत। अभी हम हैं 84 कोस परिक्रमा में और ये है हमारा तीसरा पड़ाव। तो दूसरा पड़ाव तो हमने कर लिया है, तो अभी हम निकल रहे हैं आदि बद्रीनाथ के जंगलों में से। और दो तपस्वी थे वो मिले नहीं, वो चले गए ऊपर पहाड़ पे तपस्या करने के लिए, और यहाँ पे कुटिया बना रखी है। हम उनसे मिलने आए थे पर हम बाद में आएंगे, कभी आपको दिखाएंगे। अभी हम निकलते हैं सीधे केदारनाथ जी के लिए। केदारनाथ से फिर हम निकलेंगे हरियाणा के लिए। और लौंध के महीने में पूरा मेला लगा हुआ है, आप देख सकते हो परिक्रमा वालों का। और बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई MP से आ रहा, कोई राजस्थान से, कोई दौसा, राय जयपुर, बहुत सारे लोग मिले यहाँ पे। कोई एक पाम से लगा रहा है, कोई नंगे पैर लगा रहा है, इतने साधु संत आए हुए हैं। कोई 100 साल से ऊपर भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, आप देख सकते हो। ऐसी परिक्रमा लग रही है अपनी 84 कोस की ब्रज की। अभी हमें राजस्थान में डीग क्षेत्र में, और फिर उसके बाद हम घुसेंगे कामा क्षेत्र में, कामा से निकलेंगे हरियाणा क्षेत्र में। तो ये चलती रहेगी हमारी 84 कोस की परिक्रमा। तो बने रहना वीडियो पे और पूरा देखना वीडियो, आपको मज़ा आएगा। 84 कोस में कहाँ कहाँ से जाती है परिक्रमा, पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। हर हर महादेव। तो आ चुके हैं केदारनाथ, और ऊपर केदारनाथ का पर्वत है, पहाड़ है ऊपर। तो मैं 2 बार जा चुका हूँ, अब टाइम लगेगा, इस वजह से हम सीधे जा रहे हैं 84 कोस परिक्रमा में। मित्र हैं तुम्हारे? अच्छा, कहाँ के? आदि बद्री भाई। तो ये भगत जी के मित्र हैं, लघुपाल कावट में। मोगू दे दो, मोगू मोगू दे दो। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से केदारनाथ से, और मौनी बाबा मिल गए थे, भगत जी के मित्र थे, और मौन रख रखा है, प्रसाद दिया उन्होंने। अभी निकलते हैं फिर 100। तो निकलते हैं यहाँ से केदारनाथ से, हर हर महादेव। ये डंडा पकड़े चल रहे हैं, उनके पिताश्री हैं जो अपने 84 कोस परिक्रमा करा रहे हैं। तो सूरदास हैं, बेटा करा रहा है 84 कोस। ये देख सकते हो ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एक थे मौनी बाबा थे अभी, और ये था केदारनाथ पर्वत पहाड़ पूरा। तो ऊपर चढ़ाई में टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा आने जाने में। तो इस वजह से हम सीधे जा रहे हैं। मैं 2 बार दर्शन कर चुका हूँ केदारनाथ बाबा के। वो निकलते हैं फिर हर हर महादेव यहाँ से। 84 कोस परिक्रमा में बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, उनमें से केदारनाथ भी है, बद्रीनाथ भी है, आदि बद्री बोलते हैं। और चरण पहाड़ी पड़ेगी रास्ते में, और आपके मौनी बाबा बच गए। ये मौनी बाबा थे जो अभी बच गए, देखो नाच रहे ना पीछे है? तो बड़े मस्ती में मस्त चल रहे हैं आराम से, और पेड़ों की छाव में आप देख सकते हो कि परिक्रमा चल रही है 84 कोस की। और गर्मी की वजह से पब्लिक ने शरण ले रखी है, बाबा चल रहे हैं छाता लेके। तो ये 84 कोस परिक्रमा का अलग ही आनंद रहता है। और यहाँ पे पेड़ जहाँ मिलते हैं वहाँ पे पब्लिक बैठ जाती है छाया में, टेंट बन रहा है। देखो यहाँ पे भी ग्रामीणों ने टेंट बना रखा खेत में। तो सेवा भावना यहाँ पे 84 कोस में आपको देखने को मिल जाएगी पूरी। तो अभी हम निकलेंगे चरण पहाड़ी, और एक पड़ेगा भोजन थाली, और फिसलनी शिला पड़ेगी रास्ते में। तो 4-5 मंदिर हैं जो भगवान श्री कृष्ण के, जो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गाय चराने आते थे यहाँ तक आते थे, तो यहाँ पे लीलाएं करी, राक्षसों को मारा है। तो ये 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र है। तो अभी हम आ चुके हैं चरण पहाड़ी, और इधर से भगत जी बता रहे हैं रास्ता। तो ऊपर चढ़ते हैं चरण पहाड़ी पे। तो आ चुके हैं चरण पहाड़ी। तो एक दो रास्ते जा रहे थे, एक तो पैदल मार्ग जब हम उधर से आए थे,
केदारनाथ साइड से, तो बाइक नहीं गई थी और ये सीधा रास्ता जाता है, इस पर चली जाएगी बाइक। और ये जाता है कामा के लिए जाता है ना भाई साहब, सीधा ये कामा के लिए जाता है, ये जाता है भोजन थाली के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं भोजन थाली, रास्ते में पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा फिसलनी सिला ही पड़ेगी ना, फिसलनी सिला। तो आपको दिखाते हैं, फिर मिलते हैं सीधे मंदिर चांगड़ माँ, मंदिर चामड़ माँ। अच्छा, चामड़ माँ का मंदिर है यहाँ पे, ये रास्ते में पड़ेगा चामड़ माँ। और बहुत पब्लिक बैठी हुई है, देख सकते हो आप यहाँ पे। राधे राधे राधे। तो ये रास्ता है सीधा फिसलनी सिला चरण पारी के लिए जाएगा, और उधर से फिर कामा के लिए भी निकल जाता है। तो टाइम हो गया है 1:17 हो गए। तो ये परिक्रमा मार्ग में मिलती है आपको फिसलनी सिला, श्री कृष्ण की फिसलनी सिला, आपको दिखाते हैं। बहुत सी पब्लिक बैठी है यहाँ पे, दर्शनार्थी बैठे हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण फिसलते थे। तो हमारी ब्लैक पैंथर वहाँ पर खड़ी है, और ये है फिसलनी सिला, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर फिसला करते थे। तो ये देख सकते हो अब निशान बने हुए हैं अभी तक। तो हमारे भगत जी पहुँच चुके हैं फिसलनी सिला पे, और ग्वाल वाल सब यहाँ फिसलते थे, खेलते थे। तो ये देख सकते हो प्रणाम करते हुए। तो परिक्रमा मार्ग में 84 कोस में आपको फिसलनी सिला मिलेगी, चरण पहाड़ी मिलेगी, भोजन ताली मिलती है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किया था। तो ये दिव्य स्वरूप आपको देख सकते हो ये। तो निकलते हैं फिर दोस्तों फिसलनी सिला से, और बहुत शानदार सिला है, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण फिसलते थे। 84 कोस परिक्रमा में आपको बहुत सारे मंदिर मिलते हैं देखने को। तो एक इनमें से एक फिसलनी सिला ये है, फिसलनी सिला ये रही, फिसलनी सिला ये है जो। तो जो परिक्रमा में आ रहे हैं वो देखने की, ये देखो ये 84 कोस वाले पर फिसलते हुए। फिर 84 कोस पदयात्रा चल रही है, तो कहीं कहीं भंडारे हो रहे हैं, कहीं पे शरबत पिला रहे हैं, कहीं ठंडाई पिला रहे हैं, कहीं डांस चल रहा है, कहीं लंगर चल रहे हैं। तो ये अभी कामा 3 किलोमीटर रह गया, परिक्रमा मार्ग ऐसे जाना पड़ेगा हमें। तो हम चल रहे हैं अभी 84 कोस, हम कामा ना जाके कामा से ये रास्ता अलग निकल रहा है। तो कामा में भी हैं मदन मोहन जी का, चंद्र मोहन जी का मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर है। तो मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं हम पूरे 84 कोस में, जितने भी मंदिर हैं उनकी परिक्रमा लग जाएगी, जितने संत हैं उनकी परिक्रमा लग जाती है। तो ये फ़ायदा मिलता है 84 कोस परिक्रमा का। ब्रज का तो अपना ही महत्व है, सारे जग से निराला ब्रज धाम। अब धूप में परिक्रमा थोड़ी कम चलेगी, शाम को ज़्यादा चलेगी। तो अभी बैठे हैं और बहुत से चलने वाले चल भी रहे हैं। तो हम निकल लिए हैं फिर दोबारा से, देखिए क्या हरियाली है चारों तरफ, और धूप बहुत भयंकर धूप पड़ रही है, बारिश की कोई संभावना है नहीं है। अब इसके बाद हरियाणा बॉर्डर लगेगा यूपी के बाद, वो कितने किलोमीटर बाद लगेगा ये भाई साहब, कितने किलोमीटर बाद पड़ जाएगा बॉर्डर, कितने किलोमीटर और चलना पड़ेगा हरियाणा बॉर्डर, कितने बाद लगेगा, 20 किलोमीटर बाद हरियाणा बॉर्डर लग जाएगा। अभी हम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और परिक्रमा आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं इस बार लौंद के महीने में, और बहुत लोग गाड़ियों से भी दे रहे हैं। पर रास्ता सिंगल मोटरसाइकिल के लिए अच्छा है, कार के लिए तो मैं कह नहीं सकता, ये जगह थी कार फंस जाती वहाँ पे। तो आप आ रहे हो तो आप परिक्रमा पैदल भी देख सकते हो, MP से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं लोग, बहुत दूर दूर से आए। एक लड़का तो अगले ब्लॉक में दिखा होगा आपने, अपने पिताजी जिसकी सूरदास थे उनको लेके आया था। एक बाबा थे हमारे साथ, वो हम आदिबद्रीनाथ पे छोड़ा है उनको, क्योंकि उन्होंने कहा भैया मैं तो रेस्ट करूँगा, मेरे पर नहीं बैठा जा रहा इतनी देर। और फिर थक जाते, वास्तव में ही थक जाते, क्योंकि हमें चलना है 150 किलोमीटर और, तो परेशान हो जाते धूप में, प्राण पकेड़ू पता नहीं। अब आदि बद्रीनाथ पे बहुत मज़े से तख्त पे सुला के आए उनको, अब वो अपना किसी ना किसी साधन से आ ही जाएंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं सीधे परिक्रमा के लिए, और मेरा फर्स्ट टाइम अनुभव है, भाई साहब ने 3 बार दे ली परिक्रमा,
ये आ गए हम यूपी बॉर्डर में, कोई गांव है यहाँ पे, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है यहाँ पे, तो आपको पढ़ के दिखाता हूँ कौन सा गड़ी बरबरी कौन सा गांव है। वैसे यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, तो भक्तजन यहाँ पे विश्राम करते हुए खुलवाना। तो परिक्रमा ऐसे लग रही है जंगलों के बीच में से, पानी देख सकते हो कितना भरा हुआ है। तो रोड काफ़ी अच्छी है, राजस्थान में जैसे हमारी एंट्री हुई थी तो वहाँ से और जब तक राजस्थान में चल रहे हैं तो बहुत अच्छी रोड कंडीशन आप देख सकते हो। तो ऐसी रोड मिलेगी आपको, अब यूपी और हरियाणा का बॉर्डर आने वाला है थोड़ी देर में, बहुत सारे लंगर लगे हुए रास्ते पर, तो हम भगाए जा रहे हैं। अभी तो हमें हरियाणा भी क्रॉस करना है, फिर यूपी में आना है, माठ नौजिल भाजना करीब 150 किलोमीटर और चलना है अभी तो हमें, तो सुबह से हम चले जा रहे हैं। और दर्शन भी किए आदि बद्रीनाथ के, चरण पहाड़ी के, दूर से करे थे चरण पहाड़ी के, तो पास से नहीं गए, रास्ता नहीं था, लौट के जाना पड़ता। फिसलनी शिला देखी, वो मैं पहले देख चुका हूँ, आपने भी देखी होगी। अब नौनेरा आ चुके हैं हम, और ये राजस्थान यहाँ ख़त्म हो जाता है कामा, और राजस्थान की सीमा ख़त्म होती है, सड़क ख़त्म। ये उत्तर प्रदेश में आता है, फिर अब हरियाणा सीमा से चालू हो जाएगी यहाँ से। तो नौनेरा ये गांव है, इसके बाद फिर बॉर्डर चालू हो जाएगा, उसमें हरियाणा सीमा चालू हो जाएगी। परिक्रमा मार्ग भारी वाहन, तो परिक्रमा मार्ग ये है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है उत्तर प्रदेश, आगे जो बोर्ड दिखाई दे रहा है वो आपको। तो राजस्थान में सड़क काफ़ी अच्छी मिली है स्मूथली, और राजस्थान की जो डीग से कामा का रास्ता है वो भी काफ़ी अच्छा था। तो आप आ रहे हो अगर उत्तर प्रदेश के बाद, आपको दोबारा ब्लॉग में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अभी हमको जाना है होटल वाले रास्ते, पलवल वाले पे, ये आपको हमें बाद में मालूम पड़ेगा। तो यहाँ से चालू हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो ये थी राजस्थान की सीमा पूरी। जय श्री राधे। और आई होप आपको यहाँ तक का ब्लॉग इन्जॉय किया होगा आपने। हमने यात्रा तारसी से स्टार्ट की थी, तारसी से आए थे हम सौंक, और सौंक से आए थे फिर डीग से आदि बद्री होते हुए केदारनाथ चरण पहाड़ी होते हुए नौनेरा जगह है। नौनेरा से उत्तर प्रदेश का ये यूपी बॉर्डर 0 किलोमीटर, तो ये यहाँ से उत्तर प्रदेश चालू हो जाता है। तो अब दूसरा ब्लॉग आपको उत्तर प्रदेश के बाद मिलेगा बाद में। तो ये थे हमारा उत्तर प्रदेश।